सत्येन जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए, अतिंदर जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतनी सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी। आरोप क्या है, उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? नहीं मिली दोस्त, 144 करोड़ का वेवर क्या शराब के लाइसेंस वालों को दिया गया था? अगर क्या यहाँ पे हम लोग शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं कि घोटाला डिस्कस कर रहे हैं? अगर शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की भी कई नीतियाँ डिस्कस करते हैं बैठ के। शाबाश बेटा, हम करते हैं प्रबंध। पिक्चर चालू करो बे। आप यहाँ आए किस लिए? गुजरात ने बुलाया इसलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो होगा, ये गुजरात है, 27 साल का बीजेपी का शासन, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लोकप्रियता, ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर आपको कैसे लगता है कि आप काट खोज लेंगे? मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। अच्छा? देख क्या मारे। एक साल में पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। 27 साल के बाद अब गुजरात एक नई राजनीति, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नई सोच है, नया इंजन है। डबल इंजन को जंग लग गया है, वो डबल इंजन कोयले का इंजन है, हम बिजली से चलने वाला इंजन है। आपको सत्येन जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतनी सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी। आरोप क्या है, उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है? आप बोल ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बचपन में एक वो मैगजीन आया करती थी, मनोहर कहानियां, पढ़ी क्या तुमने? अभी आती है आजकल? नहीं अभी आती है। आजकल एक नहीं आती है, बीजेपी की मनोहर कहानियां। अरे ये बात है, अरे सर क्या बात है। मैं बताता हूँ आपको जेल क्यों गया। इन्होंने कलकत्ते से 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा और उनको कहा सत्येंद्र जैन का नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम ले लिया, झूठा। वाह क्या सीन है। उस बेसिस पे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने, सत्येंद्र जैन ने इनसे हवाला की एंट्री ली है, उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उन दोनों को घर जमाई बना के बिठा रखा है भाजपा वालों ने। सुनो सुनो पूरी बात सुनो, बड़ी मजेदार है ये, भ्रष्टाचार की आपने बात की है, बड़ी मजेदार बात है ये। उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया, उनके उनके यहाँ आज तक रेड नहीं हुई। सत्येंद्र के यहाँ 4 बार रेड हो चुकी, ढीला नहीं मिला सत्येंद्र के यहाँ, चवन नहीं मिली। फिर उनके बैंक लॉकर देखने गए, बैंक लॉकर में एक झुंझुना था बच्चे का। गजब बेइज्जती है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में बार बार कहा कि उन दोनों को दिखा तो दो, शक्ल कैसी है, मैं कभी मिला नहीं उनसे, उनको मैंने फोन नहीं किया, उनका नाम नहीं जानता, कौन है ये लोग, मैं कभी उनको कोर्ट में पेश नहीं किया इन दोनों को। फिर जब बेल की हेयरिंग आई तो जज ने 3 हेयरिंग में पूछा, पहली बार पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ, उन्होंने कहा जी अगली हेयरिंग में लाएंगे। फिर अगली हेयरिंग में पूछा भाई सबूत लेके आए, उन्होंने कहा जी अगली हेयरिंग में। 3 हेयरिंग में लगातार सीबीआई की जज ने पूछा, बार बार पूछा कि कोई सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ, एक भी सबूत जब नहीं दे पाए तो कहते हैं ये जज अच्छी नहीं है, जज को बदलो। संभव असंभव। 75 साल के भारत के इतिहास में ऐसा मजाक किसी ने उड़ाया, कहते जज बदलो 1.5 महीने तक, फिर जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए इसके ऊपर हियरिंग चलती रही। वो बेचारा 5 महीने से जेल में बैठा हुआ है, कि ईडी और ये सीबीआई है। और कल विजय नायर के केस में जो ऑर्डर आया है, जज ने लिखा है कोई सबूत नहीं है, 4 लोगों को बिठा के केवल एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दें इन द केस। लेकिन शराब घोटाला आपका पीछा तो कर ही रहा ना। अच्छा एक मिनट, शराब घोटाला क्या, यही बता। शराब घोटाला आरोप है कि उनसे फायदा लिया गया है और फिर उसकी वजह से पंजाब में आपने वो पैसा साइफन किया है चुनाव में, जो आरोप बीजेपी लगाती है। बीजेपी लगा रही है, बीजेपी लगा रही है, सीबीआई नहीं लगा रही। चीफ सेक्रेटरी कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सेक्रेटरी की रिपोर्ट आप कह रही है, उसको सीबीआई की रिपोर्ट ने उसको आधार नहीं बनाया, उसको कचरे में फेंक दिया। सीबीआई के एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि एक शराब वाले ने दूसरे शराब वाले को 1 करोड़ रुपए दिए, तो मनीष ने क्या, मनीष का कोई रोल ही नहीं उसमें, क्योंकि कुछ क्राइम हुआ ही नहीं है। तो सीबीआई और ईडी के 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं, 500 जगह रेड कर चुके, उनका एक ही मकसद है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना किसी भी तरह से। ठन्नी नहीं मिली दोस्त। 144 करोड़ का वेवर क्या शराब के लाइसेंस वालों को दिया गया था? अगर क्या यहाँ पे हम लोग शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं कि घोटाला डिस्कस कर रहे हैं? अगर शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की भी कई नीतियां डिस्कस करते हैं बैठ के। शाबाश बेटा, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। मैं सारे जवाब दे सकता हूँ आपके, पर दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू कि क्या शराब घोटाला हुआ, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। कल का ऑर्डर पढ़ लीजिए, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो मीडिया वालों के ऊपर भी ईडी के केस रखे हैं। जली ना तेरी भी जली ना। म्यूजिक न
Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. Maria right now. Ah, ye kar lo pehle.